हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स एग्जाम अलर्ट में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये जानेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी का जो जेई का 2018 का एग्ज़ाम है उसके लिए जो कट ऑफ होगी वो कितनी रहेगी। तो ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और ये जानकारी बहुत ही बढ़िया और आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगी। तो सबसे पहले आप लोग ये जानकारी स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब और लाइक कर लें। इससे क्या होगा कि आपको सबसे पहले मिलने वाले जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो सबसे पहले मिलेंगे और जो नए अपडेट होंगे वो भी आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी का 2018 का एग्ज़ाम जेई का लगा हुआ था, इसके लिए कट ऑफ जो है हमारी कितनी क्या रहेगी, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि जो सिविल इंजीनियर है और ये जो मैकेनिकल इंजीनियर है, इन सभी का जो फोर्स है उसमें से आया था ये फॉर्म। सिविल इंजीनियर के लिए जो मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है 600 तक जा सकती है और मिनिमम जो रहेगी वो 510 रहेगी। तो सिविल इंजीनियर के लिए जो 600 मैक्सिमम रहेगा, 600 से 610 के आसपास रहेगी। तो इसमें EWS का जो कैटेगरी रहेगी उसके लिए कितना जा सकता है, तो EWS के लिए जाएगा कम से कम आपका 600 से लेकर के 610 तक, और OBC जाएगा 590 से लेकर के 600 तक, ठीक है। SC जाएगा आपको 560 से लेकर के 570 तक, ठीक है। ST आपका जाएगा ये 500 से लेकर के 530 से 25 के बीच में। ये कट ऑफ जो है बिल्कुल संभावित है, इसमें जो है कोई वो नहीं है कि ऐसे क्या हो सकता है। 60% बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया था, तो आप समझ सकते हो कि कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। फीमेल के लिए 510 से लेकर के 510-15 से लेकर के ये रहेगी कम से कम 530 के आसपास। अब आता है कि सर इसमें जो फिज़िकल हैंडीकैप लोग होते हैं उनके लिए कितनी जा सकती है, तो उनके लिए ले लीजिए 450 से लेकर के 470-80 के आसपास। और जो आपके ओवरऑल जनरल कैटेगरी के आते हैं उनके लिए कितनी रहेगी, तो उनके लिए कम से कम ये 600 से लेकर के 580 तक के आसपास। इतनी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं आपके सिविल इंजीनियर में। साथ में मैं फिर से बता दूँ कि जो आपका OBC कैटेगरी है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो आपका ये EWS है उसके लिए 590 से लेकर 610। अब इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनके लिए अलग अलग ये कट ऑफ रेडी होगी या बनेगी या अलग अलग तरीके से आएगा, तो इसमें भी आपको समझना चाहिए कि आपके लिए कौन से कितने ज़्यादा मतलब ये पद दिए हुए हैं, उस पदों के अनुसार ही आपकी कट ऑफ रेडी होगी बनेगी भी। अब इसमें यह भी सोचने वाली बात रहेगी कि जैसे 2018 से लेकर के अब तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कैसे क्या बना है, कैसे क्या ये हुआ है, ये सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें सही से कट ऑफ, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया है कि जो जनरल कैटेगरी है वो 600 से लेकर 610 तक आपको रहेगी, मतलब ये 580 से लेकर 620 के बीच में जनरल जाएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेट यही रहेगा आपका जनरल का। तो अगर ओवरऑल देखें तो हमारा जो 600 से 510 के बीच में गया है ये फीमेल से लेकर के हमारे OBC, ST, SC और ये जितने भी EWS इन सभी को मिला के, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, दूसरे भाग की ओर चलते हैं। जो हमारा दूसरा भाग है वो है आपका कौन सा, मैकेनिकल इंजीनियर का। तो मैकेनिकल इंजीनियर वाले में भी बहुत सारे मतलब चीज़ें दिक्कत कर रही हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा मैकेनिकल में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल में भी दोनों पोर्शन दिए हुए हैं। अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चे रखते हैं ना, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसकी जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी वो कितनी जा सकती है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, मिनिमम 630 से लेकर के मैक्सिमम 570 के आसपास मैंने लिखा है। तो 570 इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें दिक्कत करने का मतलब ये है कि इसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 570 मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया, फिर भी आप ये मान लीजिए कम से कम ये 540 से लेकर के 550 के आसपास रहने वाली है मिनिमम, और 630 से 40 तक जाएगी ये मैक्सिमम, ठीक है ना। तो जनरल कैटेगरी के लिए कितना जाएगा, 630 से लेकर 650 तक, 630 से लेकर 650 तक जाएगा ये। और जो EWS है वो 610 से लेकर के 630 तक जाएगी। OBC आपका कितना जाएगा, OBC और EWS दोनों लगभग सेम रहेगा, पर 600 से लेकर के 620 मान लीजिए आप, ठीक है। SC का 590 से लेकर के आप मान लीजिए 610 तक, ठीक है। और जो ST है उसके लिए आप 570 से लेकर के 580 तक मान लीजिए, दोनों अलग अलग हो गए। फीमेल के लिए देख लीजिए फीमेल में कितना होगा, फीमेल में आप मान लीजिए 570 से लेकर के 590 तक, ठीक है ना। इतना आई थिंक मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, क्योंकि हिसाब से एग्ज़ाम हो हिसाब से मैं यही बता सकता हूँ। फिर आता है फिजिकल हैंडीकैप, तो इसमें आप मान लीजिए 530 से लेके 580 तक 70 तक अप्रॉक्सीमेट ऐसे मान लीजिए इसमें भी,
मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इन दोनों में जो चीज़ें दी हुई हैं दोनों का अलग अलग जो पोर्शन है उसके लिए, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यही कर सकते हैं उसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो अब जो नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे वो आपका होगा, ये क्या होगा आपका, आपका ये आएगा एग्रीकल्चर का, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में मैक्सिमम 490 और मिनिमम कितना गया है 400, ठीक है। ये पीएच के लिए और भी कम जाएगा, पीएच के लिए और भी कम जाएगा। जैसे मान लीजिए पीएच का आपका गया 390 के आसपास, 380 के आसपास, या इससे भी कम जा सकता है। अब आता है सर जनरल कैटेगरी के लिए कितना जाएगा, तो 490 तक जाएगा, ये 490 से लेकर 510 तक। अब कहेंगे सर इसकी कम कितनी है, तो आपको समझदार है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी जा सकती है, ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए जा सकती है मान लीजिए 450 से लेकर 440 तक, 450 से 40 मतलब 480 तक मान लीजिए, 480 तक, ठीक है ना। एससी कितनी जाएगी, एससी 430 से लेकर 460 तक। एसटी जाएगी आपकी यही 395 से लेकर के 420 तक, 420 आगे बताइए। फीमेल कैटेगरी के लिए इसमें जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 390 से लेकर के 430 तक, ठीक है। पीएच मैंने आपको बता ही दिया है। अब आता है सर ईडब्ल्यूएस कितना जाएगा, तो 460 से लेकर के 495 से 500 के आसपास जाएगा। और जनरल कितना जाएगा, 475 से लेकर के 510 तक ही जा सकता है जनरल कट ऑफ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।